बिलासपुर के केंद्रीय रेलवे अस्पताल में पदस्थ नर्स स्वाति भीमगज ने सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। मुखबधिर मरीजों की परेशानी अच्छे से समझने के लिए नर्स स्वाति ने साइन लैंग्वेज सीखकर सेवा की नई मिसाल पेश की है। सर, उनको समझने में हमको बहुत दिक्कत गई थी, उसी की वजह से मैंने साइन लैंग्वेज सीखा है। बाकी मरीज को तो हम कम्युनिकेशन करके अपनी बातें बता सकते हैं, बट वो पेशेंट ऐसे थे कि हमारी बातें नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। और एक टाइम ऐसा आया था जब वो हॉस्पिटल से जाने के लिए जिद करने लग गए थे। उस टाइम सारी नर्सिंग स्टाफ लोगों ने उनको समझाया, उनको काउंसिल किए कि आप रहिए यहाँ पे, कोविड पेशेंट हो, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया सर कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा मरीज को मैं कन्विंस कर सकूँ कि कैसे हम आपको भी बाकी लोग के जैसे समझते हैं, आप भी बाकी मरीज के जैसे ही हो हमारे लिए। इसकी वजह से मैंने साइन लैंग्वेज सीखा सर। स्वाति ने इंटरनेट का सहारा लिया। ड्यूटी के दौरान समय मिलने पर वे मोबाइल पर ही साइन लैंग्वेज सीखती। साइन लैंग्वेज सीखने के बाद उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों के बीच ब्रिज का काम किया। डॉक्टरों के विजिट के दौरान स्वाति मुखबधिर मरीजों से साइन लैंग्वेज में बात कर डॉक्टरों को उनकी सेहत के बारे में जानकारी देती। मैं जब पेशेंट से मिल के आई, उनकी कंडीशन देखी, मुझे अपने आप में बहुत एक अपसेट फील हुआ और बहुत ज़्यादा हर्ट हुई मैं कि मैं अपने पेशेंट को केयर नहीं कर पा रही प्रॉपर, जिस तरीके से एक नर्स को करना चाहिए। फिर सर मैं सोचती रही सारी रात कि मैं क्या करूं। फिर YouTube का ध्यान आया कि YouTube में मैं ये कोशिश कर सकती हूं कि मैं साइन लैंग्वेज सीखूं। और पूरी रात मतलब मैं सीखी साइन लैंग्वेज। अगले दिन मैं गई, थोड़ा बहुत सीखी थी उस टाइम, और बस काम की ही चीज़ें सीखी मैं सर। उतनी वो प्रोफेशनल परफेक्शन टाइप का नहीं है, लेकिन जो भी है वो मेरी बातें समझ जाते हैं, मैं उनकी बातें समझ जाती हूं। और ये YouTube के सहारे ही सीखी हूं सर जो भी है। नर्स स्वाति के इन्हीं प्रयासों से न सिर्फ उन्होंने मुखबधिर मरीजों का दिल जीत लिया, रेलवे ने भी सराहना की है। रेलवे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के जरिए से वीडियो जारी कर स्वाति भीमगज के कार्यों की सराहना की है। रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल बिलासपुर में एक मूक एवं बधिर पेशेंट वी आनंद राय कोविड वार्ड में एडमिट किए गए थे। उनकी बोलने एवं सुनने की असमर्थता के कारण उन्हें अपनी बार डॉक्टरों को एवं डॉक्टर्स को उन्हें समझाने में परेशानी हो रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए वहां संविदा के आधार पर कार्यरत नर्स स्वाति भीमगज ने साइन लैंग्वेज सीखने को ठानी। यूट्यूब एवं अन्य माध्यमों से उन्होंने बहुत ही प्रयत्न के बाद इस लैंग्वेज को सीखा एवं मरीज की बात डॉक्टर्स को एवं डॉक्टर्स की बात मरीज को सही तरीके से संप्रेषण करने लगी। बहरहाल स्वाति के इस जज्बे की हर जगह सराहना हो रही है। कहते भी हैं इस दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है, बस सीखने की ललक रखने वाला होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर ईटीवी भारत भी ऐसी सेवा की देवी को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, बिलासपुर।